राजाओं के राजा संबलगढ़ के युवराज विक्रम सिंह राठौड़ पधार रहे हैं। ग्रैंड इंट्रोडक्शन हुआ सोनम और फवाद स्टारर फिल्म खूबसूरत के फर्स्ट लुक लॉन्च पर, जहां सोनम ने फ्लॉन्ट किया अपना चर्पी स्टाइल। अपना यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट, एक इयररिंग मेरे को दूसरा वाला मिल रहा नहीं था। आई स्वेयर आई कुडंट कम विद दीपानी इयररिंग, तो मैंने दूसरी पैर की दूसरी इयररिंग पहनी। तो वहीं बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे पाकिस्तानी एक्टर फवाद ने दिखाई अपनी सिंगिंग स्किल्स। आई हैव सीन जिंदगी गुजार है रिसेंटली व्हिच कंक्लूडेड ऑन जिंदगी एंड द सीरियल वाज फैंटास्टिक, यू वर फैंटास्टिक इन दैट। आई अप्रिशिएट इट, बहुत-बहुत शुक्रिया। I have one request for you. If you are comfortable, if you don't mind, will you please sing that the title song of the movie scene? Oh, because God. everybody wants to hear, because you have been a singer, so everybody wants to hear. I've been a very terrible singer. I'll tell you what, I've just made noise all my life. So, ye logon ki meharbani hai aur aapki meharbani hai ki aap mere antics bardasht kar lete hain. But what song are you referring to? From the title song of the Zindagi Gulzar. मुझे तो खुदा की कसम लिरिक्स भी नहीं याद उसके। किसी गाना गा दीजिए प्लीज। Any song then, if you are comfortable, any song, not just the title song. हमने बहुत ट्राई किया। लेकिन पत्थर फंस गए मेरे अब, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ। Ali is gonna hate me for this. ज़िंदगी गुलजार है ये इश्क का, I don't know what the lyric was after that. I'm sorry. ये इश्क का दरबार है। Well, इन एक्टर्स के अलावा फिल्म के दो प्रोड्यूसर सोनम की सिस्टर रिया कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी मौजूद थे, अलोंग विद डायरेक्टर शशांक घोष। लेकिन इन सब की मौजूदगी में सोनम एज यूजुअल सबसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आई। आप ट्रेलर में बहुत शरारती, चुलबुली, नरखट सी लग रही हैं। हाँ जी। तो सेट पे भी इतनी मस्ती की? ओह गॉड शशांक, मैं तो बोल सकते हैं। आई लाइक टू टेल हिम सम। नहीं, यू नो क्या हो गया था, प्रॉब्लम ये है बिकॉज शशांक एंड रिया एंड द राइटर्स न्यू मी सो वेल। उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत, आई थिंक हर फिल्म में सब पूछते हैं कि इज दिस कैरेक्टर लॉट लाइक यू, इज दर कैरेक्टर लॉट लाइक यू। दे वेरी शेमलेसली taken every part of my personality and exposed me completely in this film. If any character has ever been close to who I am as a person, it's Mrinalini, Millie, Dr. Millie, and it's embarrassing and it's amazing, and it was a very annoying thing on set. I was like, ye to mere life mein hua tha, ye scene kaise aa gaya is film mein? So Riya was like, yeah, I'm sorry. Shashank was like, Oh, I didn't think of it that way. I was like, such a liar. आपने घर पे कभी कोई रूल ब्रेक किया है, घर का कोई रूल? हाँ, बहुत सारे रूल्स। अच्छा, मैं बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ। जी, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शशांक लिया की है। मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है। जबकि उनके बिल्कुल अपोजिट फवाद अपनी काम और कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज के चलते थोड़े बेचारे से लग रहे थे। विक्रम को भी परेशान किया सेट। हाँ हाँ, अगर विक्रम कुछ बोलना टॉर्चर टॉर्चर किया है। टॉर्चर विक्रम सही कह रही है वो। फवाद टॉर्चर खान? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक रोल की हद तक, आई थिंक जिस रोल जो जिस तरह रोल निभाया है उसके अंदर आई थिंक उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ जॉब एंड शी रियली प्लेड इट वेरी एप्टली टू द letter, but as a co-star, he's a very accommodating person, very warm and very welcoming and extremely supportive. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान। यही नहीं, फवाद तो यहाँ सोनम के पास बैठने और उनके साथ पोज करने से भी बचते नजर आए। फवाद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए सोनम तो यहाँ उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने से भी बाज नहीं आ रही थी। Like five aunties who wanna have lunches with him. I don't know how to get out of it. Five million.
Yeah, they have to have like different lunch things. They're like, "Arey, please Fawad se milwa do lunch ke liye." But we are, all the girls in India are very happy that he's here. And this, we guess, was making Fawad even more uncomfortable. My friends are very big fan of you from your serial Zindagi Guzare till now. Bahut bahut shukriya. Only all the girls find you very hot, yeah. Bahut meherbani. Thank you. और शायद अपने co-actor की इस awkwardness के चलते सोनम was seen getting cozy to her sister instead. चलिए जैसे तैसे पूरा हुआ 1980s की रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत से inspired 2014 की इस खूबसूरत का first look launch. Here's wishing them all good luck for the film. सुरुचि महतपुरकर कोरे, ZING, मुंबई.